दिया, मूड फ्रेश कर दिया। यहाँ पे आके ऐसा लगता ही नहीं कि भाई हम दिल्ली में बैठे हैं। तो जगह इतनी प्यारी लगती है ना भाई, और रोड चेक करो यार भाई साहब। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं घूमने के लिए, और बहुत प्यारे प्यारे फूलों से नज़र ही नहीं हट रही हमारी, तो इतने प्यारे प्यारे फूल देख रहे हो। सो हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज रोशन राणा, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे, और कुछ ऐसे हर बार मैं घर से स्टार्ट करता था व्लॉग, लेकिन आज मैं घर से बाहर व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और साथ में है मेरी मम्मी। हेली कर दी मम्मी, हेलो। तो गाइस आज हम कुछ ऐसी जगह पे हैं, बहुत अच्छी सुंदर सी जगह शांति पथ दिल्ली में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये शांति पथ में भी लग रखा है ट्यूलिप फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर का फेस्टिवल लग रखा है, जो ट्यूलिप का मतलब होता है फ्लावर। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं होगा, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था लेकिन मुझे अब पता चल गया है। तो बहुत सारे फूल वगैरह लगे पड़े, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अब सीधा हम तो पार्क में आ चुके हैं, बस अब मैं आप लोगों को एक एक करके कैसे फूल लगे सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस, अब चलते हैं सीधा फूल देखने, ट्यूलिप। यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल दिखे हैं, फूल लगे पड़े हैं, वाइट कलर के, येलो कलर के, रेड कलर की, ठीक है। सो लेट्स गो, यहाँ से स्टार्ट है ट्यूलिप फ्लावर। ये पूरा कप जैसा मम्मी है ना, कप जैसा। इधर रेड कलर के भी है, और इधर वाइट कलर के ट्यूलिप कुछ ऐसे दिखते हैं दिखने में। और ये बहुत ही सुंदर जगह, दिल्ली की सबसे अच्छी जगह ये लगती है, रोड जो है शांति पथ। ये देखो, ये दूसरे कलर में भी है, रेड कलर में। इधर पूरा रेड कलर में है। ट्यूलिप का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही ये जो फेस्टिवल लगा है अभी 10 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक लगा हुआ है यहाँ पे शांति पथ में। तो यहाँ पे कुछ ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में लिखा हुआ है, हैं? हाँ, टर्की का शब्द है एक ट्यूलिप, ट्यूलिप ट्यूलिप से आया है। हाँ, ट्यूलिप संभवत 16वीं शताब्दी ईस्वी में, मतलब ट्यूलिप जो एशिया से लेके आए थे। हाँ, जो ट्यूलिप का जो वर्ड है वो टर्की का वर्ड है, तो ये ज़्यादातर नहीं विदेशों में लगा जाता है ये फूल, तो विदेशों में देखा जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया, जब ठंडी इलाके में। ये देखो ट्यूलिप फेस्टिवल, ये फिल्म की शूटिंग भी हो रही है, तो ये दिखा रखा है इसमें अमिताभ बच्चन हो रहा। हाँ, इस फूल में ये शांति पथ का एरिया, शांति पथ का रोड दिखा रखा है इसमें। ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, रेल म्यूजियम, ये देखो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, नेहरू पार्क। नेहरू पार्क भी इतना अच्छा हो गया, नेहरू पार्क दिखा रखा है, जाना चाहिए। नेशनल इंडो अफ्रीका, रेड कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। छोड़ा आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे पड़े हैं यार, 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक लगा हुआ है फेस्टिवल। तो आके यार टाइम पास क्यों कर रहे हो यार, आओ फोटो खींचो बढ़िया से। ये चेक करो यार, कितनी सारी पब्लिक आ रही है यहाँ पे घूमने के लिए, घर में बैठ के मोटापा कर रहे हो बॉडी को। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बस वाले बच्चे बाय बाय कर रहे हैं। तो हर तरह के फूल है, येल्लो कलर का भी है, रेड कलर का भी है, वाइट कलर का भी है, और इधर चेक कर सकते हो यार भाई साहब। और ये बिल्कुल, ये कौन सा है, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया दूतावास के सामने है। और ये अपनी जा रही है शांति पथ रोड, और ये चेक कर सकते हो यार गाइस,
रोड के उस साइड में भी लगा हुआ है और रोड के इस साइड में भी लगा हुआ है, तो लोग दूर दूर से घूमने आ रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अब चलते हैं हम लोग इधर, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है यार, पे कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई टिकट नहीं, एकदम फ्री फ्री फ्री, सुबह से लेकर शाम तक आओ यार। भाई साहब, और उस साइड में देख सकते हो कितना बढ़िया फ्लावर है यार, ओ माय गॉड। अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे तो हमारी मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, सुबह सुबह है ना मम्मी, माता जी को मैंने बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, मूड फ्रेश कर दिया। यहाँ पे आके ऐसा लगता ही नहीं कि भाई हम दिल्ली में बैठे हैं, तो जगह इतनी प्यारी लगती है ना भाई। और रोड चेक करो यार भाई साहब, और ऐसा लगता है हम लोग बाहर है, घर से बाहर है, मतलब इंडिया से बाहर है। इतने अच्छे अच्छे फ्लावर लगे पड़े यार, यार गाइस ये चेक करो यार, ये चेक करो यार, व्हाइट कलर के कितना प्यारा है, रेड कलर का, रेड कलर का, और इधर रेड कलर के सेम ही तो गुलाब जैसा लग रहा है, और ये व्हाइट कलर का। किसका शूटिंग होनी चाहिए? देखो मम्मी भी कह रही है कि इसमें इतना अच्छा लगा कि मम्मी को, मम्मी बोल रही है कि शूटिंग होनी चाहिए फिल्म की, दोहरी गाने की शूटिंग होनी चाहिए। चलो यार कोई बात नहीं, ये चेक करो यार भाई साहब। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यस, सुबह सुबह आके हम लोगों ने बहुत मजे करे आज, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं घूमने के लिए, और बहुत प्यारे प्यारे फूलों से नज़र ही नहीं हट रही हमारी, तो इतने प्यारे प्यारे फूल देख रहे हो, बहुत अच्छा है ना। सो ऑर्डर गाइस, अभी हम आ रहे हैं दूसरे साइड पे, ठीक है। अभी हमने वहाँ पे देखा फ्लावर, अभी हम आ रहे हैं दूसरे साइड पे, दोनों साइड में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर लगे पड़े, और ये देखो यार कितने प्यारे प्यारे फ्लावर है ना। और हमारी माता जी कह रही है फ़ोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, मम्मी के पास नज़र ही नहीं हट रही फूलों से, है ना मम्मी। और इतने प्यारे प्यारे फूल देख रहे हो यार गाइस, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छी जगह है यार। ये देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे फूल है, रेड कलर के, हर कलर में मिलेगा आपको। यहाँ पर गाड़ी रुक रुक के देगा, रुक रुक के गाड़ी जो है रुक रुक के देख रही हूँ मम्मी, गाड़ी वाले फुल रुक रुक के देख रहे हैं। रेड कलर का भी है, पर्पल कलर का भी है, व्हाइट कलर का भी, येलो कलर का भी है, कम से कम लाखों फूल होंगे भाई, लाखों फूल, लाखों टुलिप्स, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार, ये चेक करो यार। सॉर्टेड गाइस, अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, अब घर चलते हैं, घर हम भी घर जा रहे हैं, अब थोड़ी धूप से आने लग गई है, अब तो घर की तरफ निकलते हैं। तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक आ रही है भाई, गाड़ी रुक रुक के वो कर रही है, फ़ोटो वगैरह खिंचा रही है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो यार, शांति पथ के रोड में है, और नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगा आपको यहाँ पे, लोक कल्याण मार्ग पड़ेगा या फिर मोती बाग वाला पड़ेगा, तो वहाँ से आप ऑटो करके आ सकते हो, तो बहुत अच्छी जगह है। तो अब बस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करो और राणा सिंह को प्यार करो।